नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की संभावित तिथि जून में तय की गई है, इसलिए आप परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुड़ जाइए। दोस्तों, आज मैं आपको अभिरुचि परीक्षण के भाग चार के अंतर्गत विधि का शासन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जिसमें कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, विधि के शासन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो विधि के शासन की उत्पत्ति ब्रिटेन में कह लीजिए या इंग्लैंड में कह लीजिए मानी जाती है। विधि के शासन का मूल प्रणेता कौन थे? तो सर एडवर्ड कोक को माना जाता है। विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा किसने दिया? तो डेविस ने दिया। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। ये प्रश्न जीके के संविधान के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण है और आपके अभिरुचि परीक्षण का भी अभिन्न हिस्सा है, तो दोनों ही दृष्टियों से ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन किस रूप में सम्मिलित है? तो मूल अधिकारों के रूप में सम्मिलित है। भारत में विधि का शासन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की रक्षा, ये सभी बातें इसमें सम्मिलित है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन सभी बातों को सम्मिलित किया गया है। नियमों का पालन कराना किसका कर्तव्य है? तो नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का कर्तव्य है। जिस प्रकार से कानून बनाना विधायिका का कर्तव्य है और न्याय करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो विधानमंडल है, क्योंकि विधानमंडल में विधायक लोग बैठ के या सांसद लोग लोकसभा में बैठ के कानून बनाते हैं, और इसी तरह से विधानमंडल ही विधि का एकमात्र स्रोत आधुनिक युग में माना जाता है। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। कभी कभी पूछता है कि अनुच्छेद 14 कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के शासन का क्या अर्थ है? तो विधि के शासन का अर्थ है विधि की, विधि सर्वोच्च है, यानी विधि यानी कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उच्चतम से लेकर निम्नतम स्तर तक के सभी व्यक्ति विधि के सम्मुख समान है, यानी वो चाहे तो राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो, विधि के समक्ष समान माना जाता है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में है। ये अनुच्छेद भी जीके के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता रहा है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 में है। इस भले ही अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं कि आरक्षण दिया जाता है, जो कि इस अनुच्छेद के विपरीत में है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप में है, इसके लिए अलग से अनुच्छेद है। विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है, और ऐसी सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। और राष्ट्रपति कोई सलाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मांगता है तो ऐसी सलाह मुख्य न्यायाधीश हमेशा देने के लिए भी बाध्य नहीं, वो किसी कारण से मना भी कर सकता है। भारत में विधि का शासन कब से प्रचलित है? तो प्राचीन काल से है, क्योंकि प्राचीन काल में भी राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो किन्हीं न किन्हीं परंपराओं, कानूनों और नियमों से आबद्ध होते थे, जिस प्रकार से प्रजा हुआ करती थी। विधि के शासन की जांच कौन कर सकता है? तो न्यायालय करते हैं विधि के शासन की जांच की पालन हो पा रहा है या नहीं पालन हो पा रहा है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। जीवन की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है, और इसी के माध्यम से अब अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार भी बच्चों का मूल अधिकार के अंतर्गत, जीवन के अधिकार के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।